हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जस्सी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे 42 जो जवान हैं वो शहीद हुए थे, और उसके बाद हमारे तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। एक सर्जिकल स्ट्राइक हमारे 2016 में हुई थी। इस बार जो हमारी हुई है ये स्ट्राइक, ये सेकेंड हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही वर्ड मीनिंग पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे स्ट्राइक के दौरान इस्तेमाल किए गए थे, या उससे रिलेटेड कुछ हमारे जो वर्ड मीनिंग है। तो आज मैं आप लोगों को 50 वर्ड मीनिंग्स कराने जा रहा हूँ जो पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक जो है उससे रिलेटेड है। उसमें जो बहुत सारी हमारी बातचीत हुई है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हुई हो, चाहे आपने आम लोगों से बातचीत करी हो, उन सभी में इन सभी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आज मैं आपको उन्हीं सभी शब्दों के इंग्लिश मीनिंग बताने जा रहा हूं। तो हम यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी स्ट्राइक होती है मिलिट्री के द्वारा, जिसके अंदर वो एक किसी पर्टिकुलर आदमी को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी भी एक टेरर कैंप को अपना टारगेट करते हैं। उसके अलावा वो किसी अदर चीज को, चाहे वहां की सिविलियन हो, चाहे वहां के एनिमल्स हो, चाहे वहां की प्रॉपर्टी हो, उसको किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो वो जो स्ट्राइक होती है उसको हम बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। तो होप आपको इस समझ में आ गया होगा सर्जिकल स्ट्राइक एक्चुअल होती क्या है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं हमारे, उनके बारे में। सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पर वो है एयर स्ट्राइक, जिसको हम बोलते हैं हवाई हमला। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एयरफोर्स ने क्या किया है, उन्होंने उनके जितने भी टेरर कैंप्स थे वहां पर एयर स्ट्राइक के थ्रू बहुत सारे गोले बारूद छोड़े हैं। तो एयर स्ट्राइक का मतलब हो गया हमारा हवाई हमला। दूसरा है हमारा यहाँ पर ट्रूप्स या स्क्वाड, जो भी हमारी टुकड़ी होती है आर्मी की, ठीक है, जो कई हिस्सों में डिवाइडेड होती है। जब भी किसी मिशन पे जाते हैं ये, तो इनको एक छोटे छोटे दल में बांट दिया जाता है। तो उस दल को जो है, मिलिट्री के दल को हम बोलते हैं ट्रूप्स, या उसको हम बोलते हैं स्क्वाड। इसके अलावा थर्ड है हमारे यहाँ पे पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है हमारा घुसना। जब हम किसी भी जगह पर बहुत स्ट्रेटजी के साथ घुसते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेट। फाइन, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फोर्थ वर्ड है टेरर कैंप, डैन या बंकर। जिन जगहों को निशाना बनाया गया है सर्जिकल स्ट्राइक में, उन अड्डों को जो है हम इंग्लिश में बोलते हैं टेरर कैंप, या उन्हीं को हम बोलते हैं डैन, या उन्हीं को हम बोलते हैं बंकर्स। इसके अलावा है हमारा फ्यूरी ऑफ इंडियन आर्मी। इसका मतलब होता है, फ्यूरी का अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हमारा कहर, यानी इंडियन आर्मी का कहर। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के ऊपर इस समय हमारे इंडियन आर्मी का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, यानी बहुत बुरा कहर सहने को मिल रहा है पाकिस्तान को। अगला है हमारा फिरोर। फिरोर का मतलब होता है तहलका, जैसा कि अभी हमारी इंडियन आर्मी ने मचा रखा है तहलका बमबारी करके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फियर स्टिकन। फियर स्टिकन का मतलब होता है डर का माहौल। इस समय उन सभी इलाकों में जहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा बमबारी की जा रही है, वहां पर पूरा का पूरा जो माहौल है सभी टेररिस्ट के लिए एक फियर स्टिकन, यानी एक डर का माहौल बन गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यहाँ पर ओल्ड एनिमिटी। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, एनिमिटी का मतलब हो गया दुश्मनी। अगर हम बात करते हैं ओल्ड एनिमिटी, इसका मतलब हो गया पुरानी दुश्मनी या पुरानी रंजिश की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर आ गया हमारा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिटर एनिमी या फो। इन दोनों का मतलब होता है हमारा जानी दुश्मन, यानी एक ऐसा दुश्मन, एक ऐसा एनिमी जो आपको किसी भी साइड टाइम मारने की प्लानिंग करता रहता है, उसको हम बोलते हैं बिटर एनिमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यहां पर पैट्रियोटिक रेज। अभी आपने देखा होगा जब पुलवामा में हमारे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक हुआ था, तो उस टाइम क्या था, सभी देशवासियों के बीच में एक पैट्रियोटिक रेज, यानी सभी के अंदर देशभक्ति की जुनूनी सवार हो गई थी। सभी लोग बहुत गुस्सा हो गए थे उस चीज को लेके, सब में गुस्सा इतना ज्यादा हो गया था देशभक्ति का कि लोग कहते थे कि अभी हमला करो, अभी रिवेंज लो, अभी रिवेंज लो, ऐसा सब कुछ बोलने लग गए थे। तो उसको हम बोलते हैं पैट्रियोटिक रेज। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एक्ट ऑफ अग्रेशन। अब जैसा कि हमें सबको पता है कि उस हमले के बाद उन लोगों का एक्ट ऑफ अग्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया था। सब लोग चाहते थे कि हमें जो रिजल्ट है अभी के अभी मिलना चाहिए, हमें अभी के अभी बदला चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैम्बल्ड इनटू एक्शन। स्क्रैम्बल्ड का मतलब अगर हम बात करें सिंपल, तो इसका मतलब होता है हमारा स्ट्रगल, या किसी चीज के ऊपर चढ़ाई करना, जब हम अपने हैंड्स एंड लेग्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं।
तो स्क्रैम्बल्ड इनटू एक्शन का मतलब होता है जब हमने किसी भी काम के लिए अपने आप को पूरा तैयार कर लिया है और अब हम पूरी बॉडी के एफर्ट के साथ उस एक्शन के लिए रेडी हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड इनटू एक्शन। नेक्स्ट है हमारा यहां पर अनक्लेम्ड आर्टिकल। अनक्लेम्ड मतलब जिसको कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है, यानी जिसको हम बोलते हैं लावारिस। अनक्लेम्ड आर्टिकल का मतलब हो गया हमारा लावारिस वस्तु। हम लोगों को कई बार सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है पुलिस के द्वारा कि कोई भी अगर आपको अनक्लेम आर्टिकल मिलता है कहीं पे भी, तो आपको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसी हमारी यहां पर है अनक्लेम बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जिसको लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है, ऐसी बॉडी जो कहीं भी पड़ी हुई है उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, उस बॉडी को हम बोलते हैं अनक्लेम बॉडी। अगर हम हिंदी की बात करें तो उसमें आ जाएगा लावारिस बॉडी। ठीक है, लास्ट है हमारा इसके अंदर 15th, वो है हमारा बॉडी रेज। जो ब्लास्ट हुआ था पुलवामा में इंडियन आर्मी के ऊपर, उस ब्लास्ट के अंदर हमें सुनने में आया, बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर थी वैसे तो ये, कि हमें अपने सोल्जर्स के सिर्फ बॉडी पार्ट्स मिले, यानी जो वो बॉडी के चीथड़े थे जिसको हम बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में रैग बोलते हैं। तो बॉडी रैग जो हुए हमारे, वो हो गए हैं हमारे शरीर के चीथड़े। फाइन, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं यहां पर हैवी कैजुअलिटी। जब ये नुकसान हमारा हुआ पुलवामा वाला, तो उसमें हमारा क्या था, बहुत बुरी तरीके से पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो शॉक हो गया था, और वो जो थी कैजुअलिटी हमारी वो बहुत बड़ी थी, यानी जो नुकसान था हमारा वो बहुत बड़ा था। 42 आर्मी पीपल वर किल्ड इन दैट, तो वो हमारे लिए जो था बहुत बड़ा नुकसान था। आगे है सिविलियन कैजुअलिटी। उस अटैक में जिसमें हमारे 42 सोल्जर शहीद हुए हैं, उसमें कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। सिविलियन का मतलब हो गया जो वहां के रहने वाले नागरिक होते हैं, उनकी किसी भी तरीके के नुकसान की कोई भी खबर नहीं आई थी। नेक्स्ट है हमारा लेट कंट्री डाउन और बो। आप सब लोगों को पता होगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों को एक संदेश दिया था कि मैं कभी भी अपने भारत का या अपने देश का जो सर है कभी नीचे नहीं झुकने दूंगा। तो लेट कंट्री डाउन का मतलब होता है कंट्री को नीचे होने देना, या बो का मतलब होता है झुकना। ठीक है ना, तो उनका मतलब यह था कि आई शैल नॉट लेट कंट्री डाउन। तो प्रधानमंत्री जी का बोलना यह था कि मैं कभी भी अपनी कंट्री को नीचे नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट है हमारा यहां पर लॉन्ग लिव इंडिया। इसका मतलब होता है इंडिया जो है हमारा हमेशा अमर रहे, इंडिया हमेशा लोगों की यादों में ताजा रहे। नेक्स्ट है हमारा अप विद इंडिया, यानी इंडिया जिंदाबाद। जैसे बोलते हैं ना भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, तो उसका मतलब होता है अप विद। फाइन, नेक्स्ट है हमारा यहां पर हेल इंडिया, जिसका मतलब होता है जय हिंद। हमारा एक बहुत ही प्यारा एक स्लोगन है, जब भी हम किसी चीज पर किसी परेड में जाते हैं तो हमेशा हम बोलते हैं जय हिंद जय भारत, तो उस जय हिंद के लिए हम बोलते हैं हेल इंडिया। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है हमारा यश। फाइन, गौरव जिसको हम बोलते हैं। इंडियन ग्लोरी का मतलब क्या हो गया हमारा, कि भारत का गौरव। तो इंडियन आर्मी जो है हमारी, वैसे तो और भी है हमारे पास, हमारी इंडियन एयरफोर्स है, हमारी इंडियन नेवी है, हमारी ये सभी की सभी जो है ये इंडियन ग्लोरी है हमारे लिए। अब यहां हम बात करते हैं मार्टिर। मार्टिर होते हैं हमारे शहीद, जिन लोगों को अभी शहादत नसीब हुई है, 42 जो हमारे अभी आर्मी सोल्जर्स मारे गए हैं, उनको हम शहीद बोलते हैं। वी कांट कॉल देम डेड पीपल और वी कांट कॉल देम डेड, दे आर द मार्टिर्स और वो दे विल रिमेन मार्टिर। फाइन, तो शहीद जो होते हैं उनको हम मार्टिर बोलते हैं, और मार्टिरडम होता है हमारा शहादत, जिसको हम बोलते हैं शहीदी। फाइन, यानी जब भी आप कंट्री के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मार्टिरडम, यानी शहादत, मतलब यू रिसीव अ मार्टिरडम इफ यू हैव सेक्रीफाइस्ड योर लाइफ फॉर द नेशन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट कॉन्डोलेंस, दोनों हमारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसका मतलब होता है हमारा किसी को श्रद्धांजलि देना। ठीक है, सलाम करना है किसी के, एक उस काम के लिए सम्मानित करना जो काम और आम लोग नहीं कर सकते, तो ये ट्रिब्यूट होता है, जिसका मतलब होता है हमारा श्रद्धांजलि देना। जितने भी हमारे शहीद अभी शहीद हुए हैं, उन सभी लोगों को शहादत के टाइम पर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है, और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्डोलेंस। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं अपने, जो वर्ड है हमारा ये है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है हमारा देशभक्ति। हम सभी इंडियंस के अंदर देशभक्ति है, अपने देश के लिए बहुत प्यार है, ये सभी देश के लोगों के साथ होता है ये, तो उसको हम बोलते हैं पैट्रियोटिज्म।
नेक्स्ट हमारे यहां पर पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। अगर हम किसी सिंगल आदमी की बात करते हैं कि भाई वो देशभक्त है तो ही इज पैट्रियोट। नेक्स्ट इज टेरर। टेरर मतलब होता है आतंक। फाइन, टेररिज्म आतंकवाद, जैसा कि अभी आपको खबर मिल रही होगी कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा आतंकवाद फैलता जा रहा है, तो जो टेररिज्म है वो फैलता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड यहां पर इंट्रूडर। इंट्रूडर जो होते हैं इनका मतलब होता है घुसपैठी, यानी पीपल हु आर बर्स्ट इनटू योर प्लेस विदाउट एनी परमिशन, दे पीपल आर कॉल्ड इंट्रूडर। फाइन, नेक्स्ट है हमारा आसन। आसन का मतलब होता है अग्नि। अग्नि का मतलब होता है जब चारों तरफ आग ही आग लगी हो, वो आग आग जो मैनमेड है, यानी किसी आदमी ने जो आग लगा दी है या किसी भी इंसिडेंट में जो आग लग गई हो, नेचुरल फायर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिस भी जो मैनमेड होती है उसकी वजह से कोई भी आग लगती है और उस आग की लगने की वजह से कोई भी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है, उसको हम आसन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्योस। क्योस का मतलब होता है अराजकता का माहौल। अराजकता एक हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। इसका मतलब होता है जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर फेल हो जाता है, कोई वहां पर फैसिलिटी मुहैया नहीं करा पाता, कोई हमारी वहां पर सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं होता, उस हालात को हम बोलते हैं क्योस। मतलब जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल हो गया है पब्लिक की सेवा करने के लिए या पब्लिक की सुरक्षा के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्योस। नेक्स्ट है हमारे यहां पर मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स होते हैं हमारे उग्रवादी। जो टेररिस्ट होते हैं हमारे वो होते हैं आतंकवादी, जो बाहर से आते हैं और हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं। अगर हम मिलिटेंट्स की बात करते हैं तो ये लोग होते हैं जो हमारे देश में ही रहते हैं और हमारे देश के खिलाफ ही वो लोग बात करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिलिटेंट्स, इनको हम हिंदी में बोलते हैं उग्रवादी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर टेररिस्टिकल। टेरर का मतलब जैसे मैं आपको पहले बता रखा है आतंक, टेररिस्टिकल का मतलब हो गया आतंक का माहौल। फाइन, जब भी कोई हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी देखी जाती है तो हमारे पूरे देश में जो होता है वो टेररिस्ट चिकन फैल जाते हैं, यानी आतंक का माहौल जो है वो पूरा फैल जाता है। आगे हमारा रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब होता है हमारा जब सभी लोग किसी चीज के अगेंस्ट हो जाते हैं, यानी किसी चीज के अगर विद्रोही हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेबेलियन। रिवल का छोटा सा वर्ड करें, रिवल का मतलब होता है हमारा विद्रोह। फाइन, नेक्स्ट है हमारा इराडिकेट। अब इराडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ के खत्म कर देना या किसी चीज को प्रॉपरली एबॉलिश कर देना, अपरूट कर देना। मतलब होता है इसका कि हम किसी चीज को, जैसे अगर हम बात करें टेररिस्ट एक्टिविटीज की या टेररिज्म की, तो हम प्लान कर रहे हैं कि उसको हम जड़ से खत्म कर दे, तो इराडिकेट का मतलब होता है हमारा जड़ से खत्म करना। नेक्स्ट है हमारा मैसेकर। मैसेकर होता है मारकाट, खून खराबा, ठीक है, जैसा अभी पुलवामा में हुआ था वो एक तरीके का खून खराबा था। इनोसेंट हमारे सोल्जर्स थे जो लोग अपनी छुट्टियों से वापस अपनी पोस्ट पे जा रहे थे, उनके ऊपर हमला कर दिया गया था, तो वो एक तरीके का खून खराबा था। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है किसी भी चीज का सामना करना, जैसे अगर आप कह सकते हो इसको कि एक तरीके का विरोध करना किसी चीज का, जिसको हम अगले वर्ड में अपना प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं। तो कॉन्फ्रंट और प्रोटेस्ट दोनों का मतलब हमारा होता है विरोध करना। अगर आप किसी चीज के लिए अग्री नहीं करते हो तो आप उसके लिए कॉन्फ्रंट हो सकते हो। नेक्स्ट है कैंडल मार्च। जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि कई बार हमारे भारत के अंदर कैंडल मार्च निकाले जा चुके हैं, जब पूरा का पूरा देश किसी चीज पे अपना दुख बताता है या शो करता है अपने ग्रीफ को, तो उस समय वो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, जैसे अभी पुलवामा में हमारे शहीदों के लिए भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाले थे। आगे हम बात करते हैं बिरीव्ड फैमिली। बिरीव्ड फैमिली वो एक परिवार होता है, विक्टिमाइज्ड फैमिली आप बोल सकते हैं, वो जिसकी फैमिली में कोई लॉस हुआ हो, जैसे अभी जो सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं उनकी फैमिली को आप बोल सकते हो बिरीव्ड फैमिली, क्योंकि वहां पर जो दुख का माहौल है वो उस दुख के माहौल ने सभी के दिलों को जो है वो झिंझोर के रख दिया है और वहीं पर लोग आ रहे हैं अपनी मौनिंग के लिए। मौन होता है हमारा शोक प्रकट करना। फाइन, नेक्स्ट है हमारा हार्ट रेंचिंग। जो ये पुलवामा अटैक हुआ था इसकी खबर जो थी वो हार्ट रेंचिंग थी। हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल दहला देने वाली। फाइन, नेक्स्ट है हमारा प्लेज फॉर मदरलैंड। इस अटैक के बाद सभी लोगों ने, चाहे वो हमारे सोल्जर्स हो, चाहे हमारे वो सिविलियन हो, चाहे वो हमारा एक न्यू एज्ड बॉय हो या कोई भी एक ओल्ड एज्ड आदमी हो, सभी लोगों ने अपनी मदरलैंड के लिए एक प्लेज, यानी सभी लोगों ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। सालवेशन होता है हमारा मोक्ष, जिसको बोलते हैं मुक्ति। ऑल द मार्टिर्स
have received their salvations, मतलब सभी जितने भी हमारे शहीद थे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है. कंसोल नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा, दिलासा देना. अगर कोई किसी भी तरीके से अनसेटिस्फाइड है या कोई किसी भी तरीके से डिस्टर्ब है तो उसको जो हम सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं, उसको हम कंसोल कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा रिवेंज. दिस टाइम द होल नेशन वांट्स रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज जो उन्होंने लॉस हमारा किया है दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड जस्ट वी हैव गॉट न्यूज दैट मोर देन 200 टेररिस्ट हैड बीन किल्ड इन दिस एयर स्ट्राइक. नेक्स्ट इज कॉर्डन ऑफ. कॉर्डन ऑफ होता है हमारा नाकाबंदी, किलाबंदी, घेराबंदी जिसको हम कहते हैं. जैसे कि अगर हम आर्मी के लोगों को अगर हम डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय का मतलब होता है अगर हम उनको चारों तरफ फैला देते हैं तो वो एक तरीके से उस जगह की घेराबंदी कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्डन ऑफ. और दूसरा जो हमारा लास्ट वर्ड था हमारा वो था डिप्लॉय, जिसका मतलब होता है आर्मी के लोगों को या पुलिस को फैला देना ताकि वह कम दायरे में भी रहकर यानी कम लोगों की स्ट्रेंथ में भी वो लंबे एरिया को जो कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लॉय. तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड 50 वर्ड्स बताए हैं और उनके साथ में मीनिंग भी बताए हैं. होप आप लोगों को ये सारे वर्ड याद हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी बात करें ऐसी किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की या किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी की या पेट्रियोटिक एक्टिविटी की तो होप आप ये सारे वर्ड उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. धन्यवाद. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा. और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो. थैंक यू सो मच.